तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आज केजरीवाल के परिवार से आज मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी ने कानूनी मदद की कर दी है पेशकश। केजरीवाल का केस लड़ेंगे राहुल गांधी। गाजा के अलसिपा अस्पताल में इजराइल और हमास के बीच भीषण लड़ाई शुरू। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना के 50 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। अलसिपा अस्पताल में घुसना इजरायली सेना को पड़ा भारी। अगर आज जेल से बाहर नहीं आए केजरीवाल तो जेल से ही सरकार चलाएंगे केजरीवाल। दिल्ली में नहीं लेगा राष्ट्रपति शासन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बवाल। होली खेल रहे छात्रों को मुस्लिम छात्रों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस ने यूनिवर्सिटी को घेरा। केजरीवाल की गिरफ्तारी को विपक्ष के नेताओं ने बताया असंवैधानिक। कहा बीजेपी को सता रहा चुनाव हारने का डर, इसलिए करवाया है केजरीवाल को गिरफ्तार। बीजेपी पर विपक्ष का जोरदार हमला। गाजा पट्टी में जंग रुकवाने के लिए सऊदी अरब पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री। छठे दौर की बातचीत हुई शुरू। एक दो दिन में गाजा में रुक सकती है जंग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। आज राहुल गांधी करेंगे केजरीवाल के परिवार से मुलाकात। कानूनी मदद की कांग्रेस ने कर दी पेशकश। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति के मामले में ईडी ने शाम गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ आज आम आदमी पार्टी देश भर में प्रदर्शन करेगी। तो वहीं दूसरी ओर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इसी बीच राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करने का ऐलान किया है। इससे पहले उन्होंने केजरीवाल के परिवार वालों से फोन पर बात की थी और जमकर बीजेपी पर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने कहा कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर हो रहा है। ये बीजेपी की तानाशाही है और वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी ने इसी दौरान केजरीवाल की कानूनी मदद की पेशकश की है। कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल का केस लड़ने का ऐलान किया है। अब देखते हैं कि केजरीवाल आज छूटते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा के अलसिपा अस्पताल में इजराइल और हमास के बीच भीषण लड़ाई। इजरायली सेना के 50 लड़ाकों को हमास ने मौत के घाट उतारा। इजराइल के लिए बड़ा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम की कोशिश के बीच एक बार फिर से जंग तेज हो गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा के अल सिपा अस्पताल में हमास और इजरायली सेना के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई है। इस लड़ाई में इजरायली सेना के 50 सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इजरायली सेना को खबर मिली थी कि गाजा के अल-सिपा अस्पताल में हमास के लड़ाके इकट्ठे हो रहे हैं और यहीं से वो इजरायली सेना को निशाना बना रहे हैं, जिसके बाद इजरायल की सेना अल-सिपा अस्पताल पहुंची और यहां पर ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन यह ऑपरेशन इजरायली सेना को भारी पड़ गया और हमास के लड़ाकों ने 50 इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अरविंद केजरीवाल अगर नहीं आए जेल से बाहर तो जेल से ही सरकार चलाएगी आम आदमी पार्टी। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब नीति के घोटाले के मामले में कल ही ईडी ने गिरफ्तार किया था और ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अगर केजरीवाल को आज ईडी छोड़ती है तो छोड़ दे, वरना अगर केजरीवाल जेल जाएंगे तो जेल से ही केजरीवाल सरकार चलाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर ईडी आज केजरीवाल को छोड़ देती है तो ठीक है, अगर ईडी उनको जेल भेज देती है तो जेल से ही केजरीवाल सरकार चलाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सीएम केजरीवाल इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से नहीं देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर साथ आया विपक्ष, लगाए ईडी पर गंभीर आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष लगभग साथ आ गया है। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभी दल एकजुट हो गए हैं और उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि चुनाव के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह से निशाना बनाना
पूरी तरीके से गलत और असंवैधानिक है। इस तरह से राजनीति का स्तर गिराना ना तो प्रधानमंत्री मोदी को शोभा देता है और ना ही उनकी सरकार को। उन्होंने कहा कि चुनावी लड़ाई में आपने आलोचकों से लड़े, उनको जेल भिजवा कर ना लड़े। वहीं आपको बता दें कि कीर्ति चिदंबरम का भी बयान आया है, उन्होंने भी इस घटना को गलत बताया है और मोदी सरकार से केजरीवाल को रिहा करने की मांग की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में युद्ध रुकवाने के लिए सऊदी अरब पहुंचा अमेरिका का विदेश मंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका ने एक बार फिर से पहल शुरू कर दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिमी एशिया के दौरे पर सऊदी अरब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी लिकमन पहुंचे हैं। यहां पर इजराइल हमास के बीच युद्ध खत्म होने के लिए बातचीत शुरू हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले 5 दौर की बात अमेरिका ने शुरू की थी, लेकिन इजराइल और हमास के बीच सहमति नहीं बनी थी। लेकिन अब 6 दौर की बातचीत सऊदी अरब पहुंचकर अमेरिका के विदेश मंत्री ने की है और उन्होंने दावा किया है कि जल्दी गाजा पट्टी में युद्ध खत्म हो जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बवाल, होली खेल रहे हिंदू छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गुरुवार को होली खेलने के दौरान बवाल हो गया। आरोप है कि होली खेल रहे छात्रों से एक धर्म विशेष के छात्रों द्वारा मारपीट की गई। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि होली खेल रहे कुछ लड़कों की पिटाई मुस्लिम छात्रों द्वारा की जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और वह हंगामा करने लगे। बवाल बढ़ने की आशंका को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स को यूनिवर्सिटी के बाहर तैनात कर दिया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल की गिरफ्तारी असंवैधानिक, बीजेपी को सता रहा चुनाव हारने का डर, विपक्ष का जोरदार हमला। जदोसा आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है और विपक्षी नेताओं ने इस कदम को गलत तथा असंवैधानिक करार दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि बीजेपी ये सब लोकसभा चुनाव में अपनी हार के डर से कर रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि ये शर्मनाक आजाद भारत में पहली बार देखने को मिल रहा है। आगे लोगों ने कहा है कि बीजेपी वाले चुनाव के हार के डर से एक एक करके विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रहे हैं, उसमें केजरीवाल का भी नंबर है। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया है, ईडी सहित मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता चाहने वालों के लिए हेल्पलाइन नंबर मोदी सरकार ने किया शुरू, आवेदक देश भर में कहीं से भी कर सकते हैं कॉल। जदोसा आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता चाहने वालों के लिए गुरुवार से हेल्पलाइन नंबर शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी देश की जनता को दी है। इसमें बताया गया है कि लोगों की सहायता और उन्हें जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1032 की शुरुआत की गई है। आवेदक देश भर में कहीं से भी इस नंबर पर मुफ्त में कॉल कर सकते हैं। इस पर सुबह 8 से रात 8 बजे तक कॉल किया जा सकता है। CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक मोबाइल ऐप 15 मार्च से ही उपलब्ध है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र लोगों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू मंदिरों से टैक्स लेने वाले कांग्रेस सरकार के बिल पर दस्तखत करने से गवर्नर का इनकार। जदोसा आपको बता दें कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को बीजेपी के एक गवर्नर ने बड़ा झटका दिया है। राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत ने मंदिरों कर विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, जिससे केवल हिंदू मंदिरों से टैक्स वसूलने के लिए लाया गया था। सभी धार्मिक निकायों पर कराधान की वकालत करते हुए गहलोत ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रस्तावित विधेयक के तहत कराधान के लिए एक धर्म को अलग करना भेदभावपूर्ण है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार कर्नाटक में एक बिल लेकर आई थी। इस बिल में मंदिरों से चंदा माफ कीजिएगा टैक्स लेने की बात कही गई थी। बीजेपी इसके विरोध में थी और बीजेपी के ही ये गवर्नर हैं। अब गवर्नर ने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया है और सरकार की फाइल को लौटा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका। चुनाव आयोग ने जनता को भेजे जा रहे विकसित भारत मैसेज पर रोक लगाने के दिए निर्देश, मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका। जदोसा आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ देश में आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके बाद से चुनाव आयोग पार्टियों के प्रचार सामग्री से लेकर उनके खर्चे और चुनाव से जुड़ी अन्य गतिविधियों पर नजर रख रहा है। आचार संहिता का कड़ाई से पालन भी करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में इलेक्शन कमीशन ने केंद्र की मोदी सरकार के तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे विकसित भारत मैसेज को
तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग को शिकायत मिली थी कि लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन सरकार अभी भी अपनी योजनाओं को बताने वाले मैसेज जनता को भेज रही है। शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए इस पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए और मोदी सरकार को फटकार भी लगा दी। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि हमने मैसेज तो आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे थे, लेकिन सिस्टम और नेटवर्क इश्यूज की वजह से ये जनता के पास देर से पहुंच रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी और कांग्रेस पार्टी ने इन मैसेजों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ शिकायत चुनाव आयोग में कराई थी।